दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहना अरविंद केजरीवाल का निर्णय व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी के स्कूलों में किताबें और यूनिफॉर्म की कमी से जुड़े मामले में सरकार और एमसीडी को फटकार लगाई। नगर निगम कमिश्नर को छात्रों के लिए किताब, यूनिफॉर्म, नोटबुक जैसी चीजों पर खर्च करने का अधिकार दिया। हाईकोर्ट ने 17 पेज के अपने आदेश में कहा कि नगर निगम स्कूलों की दुर्दशा सुधारने के लिए नगर निगम कमिश्नर को यह अधिकार देना आवश्यक है। कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने इसे 8 लाख छात्रों की जीत बताया। कोर्ट ने निगम कमिश्नर को आदेश दिया कि एमसीडी के छात्रों को 5 करोड़ की सीमा से परे जाकर किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी चीजें उपलब्ध कराई जाएं। सीएम की अनुपस्थिति के चलते बच्चों के अधिकार नहीं कुचल सकते। हाईकोर्ट ने कहा केवल इसलिए कि मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता। गिरफ्तारी के बावजूद अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहने का फैसला निजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनुपस्थिति के चलते छात्रों को मौलिक अधिकार से वंचित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दिल्ली सरकार ने पहले कोर्ट को बताया था कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी को एमसीडी के वित्त के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन स्थायी समिति के गठन पर विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि एमसीडी कमिश्नर को वित्त के संबंध में ऐसी शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की जरूरत है और दिल्ली के सीएम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है, इसलिए मंजूरी लेना बाकी है। वहीं कोर्ट ने इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा अगर कोई मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक उपलब्ध नहीं रहता तो यह राष्ट्रहित के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।